तो नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसे टेलीकॉम से दुर्गेश और ये हमारे साथ है मिलन सर। बिल्कुल सर। तो अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी हैं और इनसे पूछेंगे इनका नाम और थ्रू आउट हम पूछेंगे फर्स्ट डे से लेकर के अभी तक इनका कैसा सफ़र रहा, जो ये सीखने आए थे वो सीखने को मिला कि नहीं मिला। चलिए हम पूछते हैं, अपना नाम बताइए। जी नमस्ते सर, मेरा नाम हर्षज है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। आपका नाम? जी मेरा नाम यशवंत पटेल है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। ओके, आपका नाम? सर मैं सागर बोर से महाराष्ट्र पालघर से हूँ। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम है वाजिद शेख, महाराष्ट्र। सर मैं अनिल ठाकरे, नासिक महाराष्ट्र से हूँ। सर मैं गणेश कान के मुंबई से। तो ये लगभग सारे स्टूडेंट जितने आप देख रहे हैं सारे महाराष्ट्र से हैं यहाँ पे। तो चलिए अब हम पूछते हैं इनका थ्रू आउट फर्स्ट डे के लास्ट डे तक कैसा रहा। तो बताइए देव सर के साथ कैसा सफर रहा आपका? सर बहुत ही अच्छा रहा सर। हार्डवेयर का अगर मैं बात करूँ, ट्रेसिंग की बात करूँ, नेटवर्क सेक्शन बात करूँ, डेट सेक्शन बात करूँ, सर पूरा डीपली नॉलेज मिला है सर, एंड टू एंड एंडलेस सॉल्यूशन मिला है सर। यस सर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई भी चीज दिक्कत आती थी प्रैक्टिकल करने को मिलता था? जी सर मिलता था। चलिए आप बताइए देव सर के साथ हार्डवेयर सेक्शन। सर देव सर के साथ तो हमारा हार्डवेयर सेक्शन बहुत अच्छा था। सर को बहुत अच्छी नॉलेज है जिसको बच्चे को अच्छे देने में भी अच्छे हैं। आपको समझ में आया प्रॉपर तरीके? जी सर समझ में। चलिए आप बताइए कि देव सर के साथ हार्डवेयर सेक्शन। सर देव सर के साथ ऐसा है ना सर, छोटे बच्चे को लेकर बड़े बच्चे तक जिसके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, सबको एक लाइन से टीच करते हैं। टीचिंग का लेवल हाई प्रोफाइल है। अगर मैं बात करूँ ट्रेसिंग का, स्कीमेटिक डायग्राम का? यस सर, ट्रेसिंग डायग्राम सब मतलब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, सब परफेक्ट हो रहा है सर। चलिए ओके, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा आपका? सर बहुत ही अच्छा रहा सर। सॉफ्टवेयर अगर कोई भी अनलॉकिंग हो या फिर किसी चीज की फ्लैशिंग एरर हो सारा कुछ कर पाएंगे? जी सर कर पाऊंगा। ओके आप बताइए सॉफ्टवेयर का सफर। सर सॉफ्टवेयर का सफर तो मेरा बहुत अच्छा रहा। जी सर। ओके आप बताइए आपका सॉफ्टवेयर का सफर कैसा रहा? सर सॉफ्टवेयर का सफर एकदम सॉफ्ट हो गया है सर, मिलन सर के सॉरी दुर्गेश सर के वजह से यहाँ पे। तो अब उसके बाद जैसे ही आपने क्लास किया उसके बाद फिर मिलन सर के साथ एमएमसी क्लास कैसे? जी सर ये एमएमसी क्लास भी बहुत ही बढ़िया रही सर। ब्लैक पेस्टेड बात करें, डुअल टिकर की बात करें तो अभी ब्लैक पेस्टेड तो एकदम आसान हो गया सर। और डुअल टिकर जो सर ने बोला था वो कराएंगे आपसे भी प्रैक्टिकली, वो आपने किया? जी सर किया है सर। तो आपके बताइए मिलन सर के साथ सफर। सर मिलन सर के साथ तो एमएमसी का क्लास बहुत अच्छा था, उन्होंने हलवा बोले थे डुअल टिकर को, उसको भी हलवा ही बना दिया सर ने। सच में हो गया? तो ये ट्रिक के अनुसार है कि ऐसे बिना ट्रिक? सब ट्रिक एंड ट्रिक है सर यहाँ पे। जी सर। चलिए अब नेक्स्ट आपसे पूछते हैं आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा है सर, बहुत बहुत। अगर हम एमएमसी चेंज की प्रोसेस की बात करें, अगर हम बात करें 90% कंज्यूम की बात करें तो वो आप कर पाएंगे? यस सर यस सर। तो चलिए अब आप तीनों से पूछ रहा हूँ कि आगे चल के प्लानिंग क्या है आप तीनों का? सर मैं शॉप में टूल्स जो है अपग्रेड करूंगा मेरे। वेरी गुड, सबसे बड़ी चीज़ है कि टूल्स अपग्रेड करना है। आप क्या प्लानिंग है? जी सर मैं भी टूल्स अपग्रेड करूंगा क्योंकि बिना टूल्स के काम पॉसिबल नहीं हो सकता। आपकी प्लानिंग क्या है? इधर से जाके पहले टूल लेने के उसके बाद सब सेटअप करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए ओके, अब हमारे पास तीन स्टूडेंट और हैं और मिलन सर पूछेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिलन। जैसे कि आप देखिए कि हमारे साथ पूरा महाराष्ट्र यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे और तीन स्टूडेंट हैं। मैं इन तीनों से एक साथ में पूछता हूँ कि आप डे वन 27 तारीख आए और सबसे पहले देव सर से मिले। यस सर। अब देव सर से मिलने के बाद आपने सबसे पहले काउंसलिंग की क्लास की? यस सर। अब काउंसलिंग की क्लास के पहले क्या आपसे पैसा ले लिया गया था क्या? नहीं सर, पहले दो दिन की काउंसलिंग थी और उन लोग हमको बताया गया था कि पहले तुम दो दिन का काउंसलिंग करो, पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करो कि आपको 8 से 12 घंटा आप बैठ सकते हो या नहीं बैठ सकते। बिल्कुल, हो बिल्कुल, तो दो मेन मोटिवेशन ये था कि आप कंटिन्यू 10 से 12 घंटे बैठ के आपका ट्रेनिंग कम्प्लीट कर सकते हो या नहीं। इससे दो दिन पहले कोई चार्ज नहीं किया था, कोई पैसे की फीस की बात भी नहीं हुई थी, सिर्फ हम लोग की क्षमता कितनी है वो देखने के लिए ये दो दिन का काउंसलिंग क्लास था सर। ठीक है, तो आप उसके बाद आपने जो क्लास शुरू किया, आपने क्लास में देव सर के साथ जो स्टेप बाय स्टेप कंपोनेंट से लेके शुरू कर एक लेयर तक आपने पढ़े, वो कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बोलते हैं हम लोग को जीरो से जो नॉलेज मिला सर, जीरो से। एक्चुअली हम लोग ये फील्ड में पहले से थे लेकिन हम लोग को बताया गया था कि आपका जो नॉलेज है आपने तक ही रखा, आप यहाँ पे जो नॉलेज लेने आए। और सर जी सही बात है, हम लोग झोली खाली लेके आए थे और झोली भर के लेके जा रहे सर। बिल्कुल। आपका सफर देव सर के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई सेक्शन ऐसा तो नहीं गया जिसको समझ में नहीं आया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आपके साथ कैसा रहा देव सर? सर एकदम बढ़िया रहा, देव सर का पढ़ाने का जो तरीका है एकदम मस्त है सर। चलिए उसके बाद आपने जैसे ही सॉफ्टवेयर की क्लास खत्म हुआ, खत्म होने के बाद आपने दुर्गेश सर से मिले, दुर्गेश सर से हैं आपको सॉफ्टवेयर की क्लास शुरुआत की, दुर्गेश सर के साथ सॉफ्टवेयर की क्लास कैसा रहा? सर पहली बात तो मैं सॉफ्टवेयर से बहुत दूर था, सॉफ्टवेयर के नाम से डर लगता था, लेकिन जिस दिन से
हमारे दुर्गेश सर की क्लास थी, तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर का हम लोग को जो देखने का नजरिया था सॉफ्टवेयर का, जो तो बोलने में लगता था कि सॉफ्टवेयर बहुत हार्ड है, लेकिन दुर्गेश सर ने जो हमको जो यहाँ पे ट्रिक्स बताए सॉफ्टवेयर के एकदम ईजी है सर। जो चीज़ से हम लोग डरते थे वो हम लोग एकदम सॉफ्ट हो गए सर। सॉफ्टवेयर वर्क का नाम हम लोग लाइफ में एकदम सॉफ्ट हो गया सर। आपका कैसा आपके साथ कैसा रहा? मैं तो प्रेशर था सर, लेकिन इधर आने के बाद अब क्या लग रहा है प्रेशर हो आप खुद? नहीं, अब तो लेके जाऊंगा ना सर, लेके जाऊंगा बिल्कुल। आपका दुर्गेश सर के साथ सफर कैसा रहा? सर सॉफ्टवेयर तो मैंने कभी किया ही नहीं था, लेकिन दुर्गेश सर ने बताया एकदम एक चीज दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिस किया रात में, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर कर पाऊंगा बिल्कुल। अब उसके बाद मेरे से मिले आप EMMC की डे वन से लेकर अभी 6 दिन की क्लास है 7 दिन की क्लास है, तो EMMC कैसा रहा आप? सर पहला तो हमारे मिलन सर का जो कोडिंग है ना सर, वो इतनी माइंड ब्लोइंग है ना कि उसके जो कोडिंग, अगर आप वो कोडिंग नहीं बोल सकते, फॉर्मूला सर हमारे मिलन सर का, हमारे मिलन सर का फॉर्मूला है वो कभी हम लोग लाइफ टाइम वो भूलेंगे नहीं सर, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो EMMC और MMC और EC जो चेंज करना है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला हम लोग कभी उसको भूलेंगे नहीं सर। EMMC चेंज करना आसान है कि नहीं? बहुत आसान है सर, बहुत हलवा हो गया है। अच्छा सिक्योरिटी रिपेयर कर पाएंगे आप? बिल्कुल सर, अगर NB डाटा करप्टेड आ गया तो? बिल्कुल कर पाएंगे। तो चलिए थैंक यू वेरी मच आप सबको, और महाराष्ट्र से अगर कोई आना चाहे तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप सर सोचना नहीं है यहाँ पे टाइम वेस्ट, कुछ पहली बात तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, पैसा तो सर ऐसी बात है पैसा जाएगा तो आएगा, लेकिन ये जो वक्त चला जाएगा ना तो आप अपडेट नहीं होगी सर। मेन अपने आपको अपडेट करने के लिए सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है आपके पास, एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच आप सबको, और आशा करता हूँ महाराष्ट्र में जाके आप लोग धूम मचाएंगे बहुत बढ़िया। और आपके साथ एशिया टेलीकॉम की पूरी टीम लाइफ टाइम जुड़ा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर CPU को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर CPU, डुअल टेकर CPU आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर, पी CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में, डुअल टेकर किया ना। आपने लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर CPU करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर CPU, डबल टेकर CPU कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर CPU आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका CPU ओके से स्टेंसिल किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर CPU, डुअल डेकर CPU किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर CPU कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर, आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर CPU सर रैम और CPU उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और CPU उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल CPU, ड्यूल CPU। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस? सर हमने ड्यूल डेकर किया सर, ड्यूल डेकर किया आपने। मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट